आपने डायनासोर की जितनी भी तस्वीरें या वीडियोस देखी हो, ये सभी बस कल्पना पर आधारित संरचनाएं हैं, जिसे डायनासोर की जीवाश्मों की मदद से तैयार किया गया है। पर आज तक हम मनुष्यों ने डायनासोर्स की असली आवाज और उसके रंगों की पहचान नहीं कर पाए हैं, और इसका एक बड़ा कारण है टाइम गैप, यानी 65 मिलियन सालों पहले ही डायनासोर का इस धरती से नाश हो गया था, जबकि हम मनुष्यों में होमो सेपियंस की ही उत्पत्ति करीब 1 लाख सालों पहले हुई है। पर एक ऐसा जीव है जिससे हम मनुष्यों का लगाव लाखों सालों से है, और जिस प्रकार हम मनुष्यों में एवोल्यूशन हुआ है, वो जीव भी एवोल्यूशन के कारण अपना रूप थोड़ा सा बदल चुके हैं, पर आज भी वो धरती में पाए जाने वाले सबसे विशालकाय स्थलीय जानवरों में से एक माने जाते हैं। आपने सही समझा, हम हाथी की ही बात कर रहे हैं, जिसका पूर्वज मैमथ को माना जाता है और जिसे प्लेस्टोसीन काल का भी सबसे विशालकाय जीव माना जाता था। मैमथ की सभी प्रजातियों में स्टेप, या जिसे स्टेपी मैमथ भी कहा जाता है, को सबसे विशालकाय और शक्तिशाली मैमथ माना जाता था, जो 2 लाख सालों पहले धरती के एक बहुत बड़े हिस्से में राज किया करते थे। ये जीव 13 से 15 फीट लंबे और 10 से 14.5 मेट्रिक टन के भारी भरकम प्राणी हुआ करते थे। अगर हम स्टेपी मैमथ की संरचना की बात करें, तो इसके स्कल का आकार काफी छोटा, छोटे जबड़े और 2 बड़े मुड़े हुए टस्क पाए जाते थे। इस जीव के कान का आकार भी आजकल के हाथियों के मुकाबले छोटा हुआ करता था। पर इस दैत्याकार प्राणी का एक दिन का भोजन लगभग 300 किलोग्राम तक के प्लांट हुआ करते थे। वैसे तो मैमथ की प्रजातियों में वूली मैमथ को भी सबसे प्रसिद्ध और इसके कई खूबियों के लिए इसे जाना जाता है, चाहे वो कपकपाती ठंड में खुद को ढाल लेना ही क्यों ना हो। पर चाहे जो भी हो, स्टेपी मैमथ का मुकाबला कर पाना मैमथ के किसी भी प्रजातियों की बस की नहीं होती। वहीं अगर हम क्रिटिशियस काल यानी 66 मिलियन साल पहले पाए जाने वाले टीरेक्स की बात करें, तो इसे उस काल का सबसे खूंखार और शक्तिशाली प्राणी माना जाता था, जो 40 से 45 फीट लंबे, 17 फीट ऊंचे और ये वजन में करीब 14 टन तक पाए जाते थे, यानी हर मामले में ये एक स्टेपी मैमथ से आगे ही थे। टीरेक्स की बाइट फोर्स के सामने बड़े बड़े टाइटानोसोर की भी नहीं चलती थी, जो बेशक एक मैमथ के मुकाबले काफी बड़े पाए जाते थे। टीरेक्स अपने 60 नुकीलो दांतों से और 6 से 8 टन बाइट फोर्स की मदद से ये अपने शिकार के 2 टुकड़े कर दिया करते थे। तो जब कभी भी टीरेक्स और मैमथ की लड़ाई होती, वैसे तो ये टाइम गैप के कारण पॉसिबल नहीं है, पर इस युद्ध में स्टेपी मैमथ अपने बड़े टस्क से टीरेक्स को चोट पहुंचाने की काफी कोशिश करता, पर चूंकि टीरेक्स के पास कई एडवांटेज है, जैसे कि ये मैमथ के मुकाबले काफी पुराने जीव हुआ करते थे, साथ ही टीरेक्स एक कार्निवोरस जीव हुआ करते थे, जिसका दिन का ज्यादातर हिस्सा शिकार करते ही निकल जाता था, वहीं मैमथ दिन का ज्यादातर हिस्सा प्लांट को खाकर बिताया करते थे, और कई मैमथ्स तो साइबेरियन टाइगर का भी शिकार हो जाया करते थे। तो ऐसे कंडीशन में ये युद्ध बिल्कुल एक तरफा होता, और ज्यादातर जीतने के चांसेस डायनासोर का किंग कहा जाने वाला टीरेक्स की ही होती। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में लिखना ना भूलें।